आज मैं बनाने वाली हूँ दूध से बने मीठी सेवई। इसके लिए मैं सबसे पहले आधा लीटर दूध को पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ मेवे लिए हैं, इसमें मैं किशमिश, चिरौंजी, मखाना, काजू, बादाम ली हूँ और मैंने यहाँ पर नारियल का खोपरा लिया है। बाकी आप अपने पसंद से मेवे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कटोरी सेवई ली हूँ, इसे मैं अब घी में भूंजूंगी। मार्केट में भूंजा हुआ सेवई मिलता है रोस्टेड, चाहे तो आप उसे भी ले सकते हैं। हमें मीडियम फ्लेम में भूनते रहना है लगातार, ताकि ये जले ना। जैसे जैसे हमारा सेवई भुंजा रहा है वैसे वैसे कलर चेंज हो रहा है। हमें इसे ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पर हमारा सेवई अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर हमारा दूध भी पक गया है, अब इसे हम इसमें डालेंगे। हम इसमें दूध के साथ ही मेवे डाल देंगे। हमें 2-3 मिनट तक इसे पकने देना है ताकि सेवई पक जाए, फिर उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। अब इसमें हम चीनी डालेंगे और 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। अब यहाँ पर हमारी सेवई पक गई है और अच्छी तरह से गाढ़ा हो गई है। अब इसमें मैं खोपरा डालूंगी। अब यहाँ पर हमारी मीठी सेवई तैयार है।